दोस्तों टैली के जिस सॉफ्टवेयर को आप शुरू से चलाते आ रहे हैं, मतलब कहने का यह है कि मार्केट में जब आप टैली का नाम सुनते हैं तो टैली आपको हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, टैली आपको हर जगह मिल जाती है। आप टैली को इसलिए बहुत ज्यादा लाइक करते हैं क्योंकि हर इंस्टीट्यूट पर अगर बच्चों को, स्टूडेंट्स को अकाउंट सिखाने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो है टैली। टैली को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, इजी है, क्योंकि टैली एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। टैली को किसी भी मोमेंट पर एडिट, चेंज और क्रिएट किया जा सकता है, कोई भी लेजर, कोई भी वाउचर्स, कोई भी मास्टर्स। तो इसीलिए ज्यादातर लोग और ज्यादातर अकाउंटेंट टैली को प्रेफर करते हैं, टैली को पसंद करते हैं, टैली में काम करना उनकी प्रायोरिटी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप टैली में काम करते हैं, जैसे कि आप टैली प्राइम आ रहा है, टैली बहुत ही लंबे समय से मार्केट में एस्टेब्लिश है और हमारे साथ मतलब के फुल सपोर्ट के साथ काम कर रही है, और हम जब टैली पर काम करते हैं तो हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो काम करने से पहले हम थोड़ा सा मतलब कि टैली के बारे में जान लें, टैली की बायोग्राफी क्या है, टैली एक्चुअल में कब बनी, इसके जो डायरेक्टर है कौन है, तो इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। और उसी के बाद मैं आपको टैली को ऑपरेट करना, टैली में काम करना, टैली के लेजर बनाना, टैली के वॉचर्स बनाना, मास्टर्स बनाना, कंपनी क्रिएट करना, टैली को ओपन करना, कंपनीज को ओपन करना, एवरीथिंग आई विल टीच यू इन दिस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन एक टैली की बायोग्राफी के बारे में जान लें। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनी के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी टैली है वो टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, और जो कंपनीज एक्ट के अंदर मतलब कंपनीज लॉ के अंदर आरओसी में मतलब के जो टैली है वो आरओसी में टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड भी है। और अगर आप देखें तो सीआईएन नंबर, जो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। कंपनी का जो नेम है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, कंपनी का स्टेटस एक्टिव है, काम कर रही है अभी कंपनी, और प्रॉपर सारे कंप्लायंसेस भी फुलफिल करती है ये आरओसी के, और आरओसी जो ये है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कहा जाता है, इसी के अंदर सारी की सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। और आरओसी जो है ये बेंगलोर की है, तो मतलब कहने का ये जो कंपनी है ये टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बेंगलोर आरओसी में रजिस्टर्ड है और ये बेंगलोर में ही इसका ऑफिस भी है। तो ये कर्नाटका स्टेट से है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन नंबर इसका ये है 03-7716, और साथ ही साथ कंपनी की कैटेगरी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जो ये है नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है और एक प्राइवेट कंपनी है। और इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था कंपनी में वो 21 नवंबर 2005, मतलब ये 2005 में कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी, इनकॉर्पोरेट हो गई थी आरओसी में। और साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं कि इसको 16 साल 5 महीने और 12 दिन हो चुके हैं आज। और इसके बाद इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके डायरेक्टर के बारे में, जो इसके डायरेक्टर हैं ये इसमें आपको बता दूं इस टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, इसमें एक तो अनम्मा थॉमस ये इसके डायरेक्टर हैं, और इनके जो डायरेक्टर हैं सेकेंड डायरेक्टर वो है सुब्रमण्यन गणेश। ठीक है, ये इनके सेकंड डायरेक्टर हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो आपको मतलब सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, सर्विसेज देती है सॉफ्टवेयर की, तो एक बहुत बढ़िया कंपनी है। चलिए ये था एक छोटा सा बायोग्राफी थी एक टैली की, अब हम बात करते हैं आगे टैली के अंदर काम कैसे करना है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एक्चुअली मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, ये डेस्कटॉप पे आपके टैली प्राइम के नाम से न्यू लेटेस्ट टैली और न्यू लेटेस्ट वर्जन के साथ आपको सिखाएंगे टैली के बारे में। तो यहाँ डेस्कटॉप पर टैली प्राइम के लोगो पर आप आइकॉन्स पर डबल क्लिक कीजिए, टैली ओपन हो जाएगी, और इसके बाद हम इसमें देखेंगे। देखिए ये एक एडवर्टाइजमेंट होती है टैली प्राइम, जिस तरीके से ये ओपन होती है इसका प्रोसेस है, ये इतना ही टाइम लेगी ओपन होने में, क्योंकि टैली अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है इसके थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं, ये टैली का फ्रंट इंटरफेस है, जो जैसी टैली ओपन होती है कुछ इस प्रकार से लुकवाइज टैली देखने को मिलेगी आपको। साथ ही साथ इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर तीन चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी और सिलेक्ट पाथ, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम डिवाइस, ये यहाँ पर कुछ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कंपनीज को बनाना सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे के सारे फंक्शंस हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो क्रिएट कंपनी के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो आपके सामने इंटरफेस आया, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन। तो ये कंपनी क्रिएशन जो लिखा हुआ है, ये कंपनी क्रिएट करने का एक इंटरफेस है, एक फॉर्म है जिसको आपको फिल करके आगे फर्दर प्रोसेस करना है।
तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि कंपनी डेटा पाथ, कंपनी डेटा पाथ यहाँ पर एक पाथ है कि आप जब कंपनी को भराओगे तो आपकी कंपनी की जो फाइल है वो कहां पर जाकर सेव होगी। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जहां आपकी टैली इंस्टॉल है ये वहीं की लोकेशन आपको देगा, लेकिन हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप देखेंगे यहाँ साइड में एक स्पेसिफाई पाथ है और एक सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है। तो चलिए पहले स्पेसिफाई पाथ देख लेते हैं, यहाँ पर हम एंटर करेंगे और आप अपने ड्राइव में जहां भी इसे रखना चाहते हैं तो आप वहां की लोकेशन को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैं किसी ड्राइव के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ई ड्राइव में जाकर रखना चाहता हूँ, और जिस भी फोल्डर में रखना चाहते हो आप तो उस फोल्डर में जाकर के जैसे टैली प्राइम का मैंने फोल्डर बनाया है, मैं इसे ओपन करके इसे यहाँ पर इस पाथ को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी से सिलेक्ट करके। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। देखिए उसके बाद फिर एंटर करेंगे तो ये पाथ यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, मेरा ऊपर चेंज हो गया। और इसके बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अगर आप स्पेसिफाई पाथ नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव भी कर सकते हो। आप ड्राइव के अंदर सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव कहाँ रखना चाहते हो तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर डबल क्लिक। और अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो आप कीबोर्ड के साथ नीचे ऐसे एरो की प्रेस करके आप नीचे आ सकते हो, जिस भी ड्राइव में आपको करना है वहां एंटर कीजिए। उसके बाद जहां पर आपको इसे रखना है, मैं इसमें जो भी फोल्डर है यहाँ पर मैं इसे टैली प्राइम में एंटर करता हूँ और उसके बाद एंटर। मेरी देखिए लोकेशन आ गई जो मेरा डेटा पाथ है। उसके बाद ये पूछ रहा है कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हो आप। देखिए मैं कंपनी का नाम यहाँ पर जो भी मुझे कंपनी बनानी है, मैं एक्चुअली मैं जिस कंपनी को यहाँ बनाऊंगा एक्चुअली मैं एक सर्विस सेक्टर की कंपनी है। सर्विस मतलब कंपनियां जो होती हैं, जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस एक्चुअली में तीन तरह के होते हैं, एक सर्विस बिजनेस, दूसरा है ट्रेडिंग बिजनेस, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो तीनों तरह के बिजनेस हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले मैं सर्विस बिजनेस से शुरू करना चाहता हूँ, और सर्विस बिजनेस के अंदर मतलब कि सर्विस का काम होता है, आप उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करते, आप सामान खरीदते बेचते नहीं, उसमें आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हो। तो चलिए मैं इसके अंदर सर्विस कंपनी के एक नाम रख लेता हूँ जिसका नाम है SHINE, शाइन साइबर टेक। मैं शाइन साइबर टेक के नाम से रख लेता हूँ। और ये शाइन साइबर टेक जो है एक साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करती है। इसमें क्या होता है कि ये बच्चों को पढ़ाती है, स्टूडेंट को सिखाती है, कंपनीज को भी सिखाती है, मतलब किसी को भी सिखा सकती है ये, चाहे इसमें स्टूडेंट कोई कंपनी भी हो सकती है, कंपनी के एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है कि एक ये जो कंपनी है ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में टीच करती है कि मतलब ये जो क्राइम हो रहे हैं, मतलब ये हैकिंग हो रहे हैं, हैकिंग होती है ना, जो चैनल हैक हो जाते हैं, मतलब ये वेबसाइट हैक हो जाती है, कई चीजें हैं, आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो ये उनसे सेफ रखने के लिए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ऐसे में मतलब कि हम इस तरह की कंपनी में, ये एक सर्विस प्रोवाइड कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आगे हम इसमें पर्दा देखते हैं। अब इसमें हमने कंपनी का नाम रख लिया, उसके बाद एंटर करेंगे तो मेलिंग नेम आ गया। अब कंपनी का नाम भी सेम है और मेलिंग नेम भी सेम है, दोनों में फर्क क्या होता है? तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये है कंपनी नेम, कंपनी नेम किसको कहते हैं और मेलिंग नेम किसको कहते हैं, दोनों में क्या फर्क है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो कंपनी का नेम है, जब आप कंपनी को बनाते हो तो यहाँ पर काफी सारी कंपनीज आपकी बन जाती हैं। एक कंपनी बनाओगे, दो बनाओगे, जो भी बनाओगे, तो यहाँ पर ये कंपनी के नेम शो कर रहे थे टैली के फ्रंट व्यू में, जो फ्रंट इंटरफेस है इसमें। जैसे अभी हमने ऐसे क्रिएट कंपनी की थी, जब कंपनी बन जाएगी तो वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद हम उस कंपनी को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर क्लिक करके इस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो नाम शो कर रहे हैं ये कंपनी के नेम होते हैं, और इनके आगे जो ये नंबर होते हैं ये मतलब ये शो करते हैं कि आप इस नाम की कंपनी में कौन से नंबर कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। जैसे इसका जो नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए 10012 नंबर है, और उसके बाद यहाँ पर आगे इसमें डेट पीरियड लिखा होता है कि ये कंपनी कौन से डेट से लेकर कौन सी डेट तक बनी हुई है, मतलब इसमें कब से कब तक आप काम करते हैं, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, कहने का मतलब है किस फाइनेंशियल ईयर की कंपनी है, या फाइनेंशियल ईयर दिखाता है। तो चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। ये तो था मतलब कि एक कंपनी का नेम। अब मेलिंग नेम के बारे में बात करता हूं मैं, मेलिंग नेम आपको बताता हूं। जब आप किसी कंपनी के अंदर कोई इनवॉइस रेज करते हो सेल का, तो वहां पर आप देखोगे एक इनवॉइस है और यहां पर सबसे ऊपर एक नाम लिखा हुआ है। यहां पर जो नाम लिखा हुआ है कंपनी का, ये होता है मेलिंग नेम। मतलब कहने का है कि दोनों के दोनों नेम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कि आपके इनवॉइस पर कुछ और नाम लिखा है और आप कंपनी कुछ और नाम से बनाओ। मतलब जैसे कंपनी आप बनाते हो राधे एंटरप्राइज, और कंपनी के बिलिंग एड्रेस पर जो नेम लिखा आएगा वो राधे एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड लिखा आएगा। तो दोनों अलग चीजें हैं, और सेम भी रख सकते हो नाम, अलग भी रख सकते हो, जैसे आपकी चॉइस। तो फर्दर हम आगे फॉर्म में आ जाते हैं जिसे हम बना रहे थे। कंपनी का नेम आपको पता लग गया, मेलिंग नेम आपको पता लग गया, अब है एड्रेस। एड्रेस जो मेलिंग नेम के नीचे आप जो इनवॉइस देखते हो, ये एड्रेस जो आपको दिखाई दे रहा है मेलिंग नेम के नीचे, ये एड्रेस आपको टाइप करना होता है। जैसा एड्रेस आप टाइप करेंगे वैसा एड्रेस वहां पर शो होगा आपके बिलिंग के अंदर, मतलब कि आपका जो एड्रेस है आपके वाला, वो बिलिंग मतलब जो इनवॉइस है उसके अंदर जो एड्रेस आप डालोगे वही वहां शो होगा। अब मैं एग्जांपल के लिए यहां पर लिख देता हूं मुंबई। फिर फर्दर आगे हम चलते हैं और यहां पर हम टाइप करेंगे स्टेट, कि मुंबई जो है ये फर्म जो है कौन सी स्टेट में है, ये महाराष्ट्र में।
उसके बाद इसका जो पिन कोड है हम पिन कोड यहां पर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहां पर आप टेलीफोन, अब यहां पर आप टेलीफोन डाल सकते हैं, यहां पर आप टेलीफोन डाल सकते हैं, टेलीफोन यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप अपना फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, यहां पर जैसे इसमें लिखा हुआ है शाइन साइबर टेक एट द रेट gmail.com, ये ईमेल एड्रेस हो गया। और वेबसाइट का नाम है ठीक है, इसके अंदर हम वेबसाइट का जो नेम है, ये वेबसाइट का नेम है साइबरटेक शाइन साइबरटेक .com। उसके बाद आगे फर्दर इसमें पूछा है फाइनेंशियल ईयर। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर होता है 1/4 से लेकर 31 मार्च तक, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में एंड हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो बुक्स बिगनिंग का मतलब होता है कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कब से बिजनेस शुरू किया, कब से अपने खाते बनाने शुरू किए, बुक्स लिखनी शुरू की, तो ये वो डेट होती है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि देखिए कभी भी ऐसा नहीं है कि अप्रैल में, अगर अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर तो आप 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू करोगे। मेरे पास जब पैसा है, मेरा जब मन करेगा मैं तब बिजनेस शुरू करूंगा, तो मैं वही डेट यहां पर लिख सकता हूं कि मैं 1 अक्टूबर 2021 से बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, 22 से बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, ठीक है। उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हो और वो डेट यहां पर आएगी। और ये डेट यहां पर आपकी अगर एक सेम फाइनेंशियल ईयर वाली डेट हो जाए 1/4/22 से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये परमिशन दे देगा कि आप 1/4 से लेकर के 31 मार्च तक आप मतलब काम कर सकते हो इसमें। अगर आपने कोई 1 अक्टूबर डाल दिया इसके अंदर, तो आपको ये बैक डेट में परमिशन नहीं देगा, आपको 1 अक्टूबर से इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर बुक्स की डेट डाल दी है। इसीलिए आप बुक्स की डेट सेम फाइनेंशियल ईयर वाली डेट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहां पर ये बेस जो यहाँ दिखा रहा है, बेस करेंसी सिंबल ये हमारा रुपीस है, इसलिए ये यहाँ शो कर रहा है। और उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ फॉर्मल नेम है, जो इस करेंसी का फॉर्मल नेम है वो INR है इंग्लिश में, तो ये यहाँ पर सेम रहेगा। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, उसके बाद एंटर, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद इसमें काफी सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, और इसमें जितनी भी सेटिंग्स है, अकाउंटिंग की, इन्वेंटरी की, टैक्सेशन की, ऑनलाइन एक्सेस की, पेरोल की और अदर, ये सारी सेटिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद हम इसे कंट्रोल ए कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए मीन्स जैसा कि नीचे यहाँ पर दिखाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पर ए के नीचे डबल अंडरलाइन लगी हुई है, डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल, तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है हमें, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए मीन्स होता है एक्सेप्ट, ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे आप कंट्रोल ए करें या एंटर एंटर करके इस तरह से आप फिनिश कर सकते हो, दोनों सेम है। तो चलिए मैं यहाँ पर कंट्रोल ए कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल ए किया। जैसे मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद ये यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा और ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से हमने इसमें एक कंपनी क्रिएट की। बाकी की जो जितने भी फीचर हैं, जितना भी इसमें काम है, वन बाय वन इसमें काम करेंगे, बहुत सारे फीचर है, बहुत सारा डेटा है, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्दर आगे। क्रिएट कंपनी के बाद इसकी जो सेटिंग्स वगैरह थी वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। और जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ऐसे होगा क्या, जब भी हमारे यूट्यूब चैनल में कोई नई वीडियो आएगी आपके यूट्यूब ब्राउजर में, वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।